अस्सलाम वालेकुम और सबको जो है ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। आज जो है किर्गिस्तान में ईद है और पाकिस्तान में जो है ना वो ईद कल होगी। ये तो ये चक्कर ना बड़ा ख़राब है कि इधर आज होती है उधर कल होती है। खैर, आपके भाई की जो है यहाँ पर आखिरी ईद है, ठीक है। मैंने जो है तकरीबन किया मतलब पूरी 6 साल ही ईद गुजारी है। सिर्फ एक दफ़ा ना ईद उल अज़हा मैंने गुजारी थी पाकिस्तान में, वरना पूरे 6 साल सारी ईदें ना यहीं पर गुजरी हैं भाई की आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना हमारी किर्गिस्तान में आखिरी होने वाली है, और यहाँ वैसे भी इतना एक दिन की होती है। अगर इनसे सारे काम शाम स्टार्ट हो जाते हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी हम लोगों की मोस्टली एग्जाम होते थे हमारे ना ईद के दिनों में। तो लेकिन कल जो है छुट्टी है, तो चलो हम 2 दिन कर लेंगे ईद के। वैसे यहाँ पर ईद जो है ना एक दिन की होती है, और बाकी जो लोग जो हज करने गए हुए हैं, जिन्होंने हज कर लिया उन सबको भी जो है ना हज बहुत बहुत मुबारक हो। भाई जो है तैयार शायद हो गया, ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बस तकरीबन 7:45 बजे ना और 7:30 बजे ना नमाज है यहाँ पर ईद की। तो जैसे ही जो है ना तस्वीर वगैरह तैयार हो जाते हैं, हम निकलते हैं जाके नमाज वगैरह पढ़ कर आते हैं। बाकी रात को जो है मेरे साथ हो गया एक प्रैंक। अब लोग अगर पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मैं सामान वगैरह लेकर आया था। मैंने कहा खीर शीर बनाएंगे हम लोग, कुछ मीठा बनाएंगे ईद पर। लेकिन सीन ये हुआ है कि दो दो के डिब्बे लेकर आया था, दोनों दूध के डिब्बे जो है ख़राब निकले थे। मतलब कि दूध जो है ना फट चुका था। बस क्या करें, अब जो है ना ईद की नमाज़ पढ़कर या शाम को जाएंगे और फिर जाके ना और दूध वगैरह लेकर आएंगे। रात को ऐसे फजूल पे जो है ना प्रैंक होकर पैसे भी ज़ाया हो गए और खीर भी नहीं बनी। खैर, ये होता रहता है। वैसे मौसम बड़ा प्यारा है पाकिस्तान का, चेक करें। अभी जो है तवीर वगैरह के फ्लैट पर आया हूँ और ये जो है अभी सोए हुए थे, ठीक है। तो आधा बज जाए तो सूतियाँ क्या लेके बाहर आए हैं। मैं कहा सर उर्जेंट टाइम हो गया, कहते टाइम क्यों, बस फिर 6:30 7 हो रहे हैं, उठ जाएँ। तो अभी उठ के बैठे हैं, जब भी नहाने के लिए गया तनीर भाई जो है टैप 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 कर रहे हैं मोबाइल, माइनिंग शाइनिंग करते हैं। ये क्रिप्टो ट्रेडर हैं बहुत बड़े, माइनर हैं, बल्कि माइनर कहते हैं ना वो हैं। सर उठ जाए सर, कुर्बानी भी करनी हमने आकर। कौन सा जानवर लिया आपने, हैं जानवर कौन सा लिया? जानवर लेंगे इंशाल्लाह। अभी तक नहीं लिया, नहीं मर्जी वाली बात है। मैं कुर्बानी शुरबानी करेंगे आप? हालत नहीं दिखाने वाली, वरना मैं दिखाता आपको, एक्सपोज हो जाएंगे फजूल में ना कैमरे के आगे। अभी जो है ना 7 बजे के तकरीबन 10 मिनट हो रहे हैं और बाकी 20 मिनट रह गए नमाज को, और अभी तक जो है ना जवान तैयारियों में लगे हुए हैं। इनको मैंने कहा भी थोड़ा जल्दी कर लो, लेकिन नहीं। तनवीर भी हमारे जो है ना चिकन का सूट पहन कर आ गए। चिकन का नहीं भाई, करंडी का सूट, करंडी, सॉरी माई मिस्टेक है, करंडी का सूट पहन कर आ गए। माशाल्लाह सर प्यारे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, हॉट एंड सेक्सी लग रहे हैं आप। Резать жертвенное животное запрещается. Оно будет просто как садака идти. Поэтому что... और यह ईद नमाज पढ़ने के बाद के मनाजिर। ईद की नमाज़ पढ़ के जो है मैं जीशान के पास गया था एज़ यूजुअल, उसे जाके ईद मिल कर आया हूँ। अब जाओ नबील के पास, क्योंकि नबील भाई जो है जा रहे हैं पाकिस्तान। वो डिग्री के लिए अटॉर्नी बनवा गए हैं अब्दुल्ला भाई को ना, तो अब्दुल्ला भाई मेरी डिग्री रिसीव करेंगे और वो आज जा रहे हैं पाकिस्तान। उनके कुछ फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो जा रहे हैं। तो मैंने कहा उसे जाके मिल लिया जाए, क्योंकि मैं रात से सोया नहीं हूँ, तो मैं जाकर सो जाऊँगा। और इनकी फ्लाइट है तकरीबन दोपहर को 4-5 बजे ना, तो इनसे मिल लेते हैं हम। तो नबील भाई से भी जो मुलाकात मेरी हो गई है, और इंशाल्लाह वो आज उनकी फ्लाइट है 3 बजे की यहाँ से ना, तो चले जाएंगे वो। बाकी जो है इस ईद की ना चस्त नहीं आ रही, इसमें बात है। हालांकि पहले लगता है ईद मना रहे हैं हम किर्गिस्तान में, लेकिन इस बार जो है ना 0 फीलिंग्स हैं ईद में। हालांकि कल तक मुझे पता नहीं था कि आज ईद है हमारी ना, या मुझे शायद कल तनवीर ने बताया कि ईद है। ओए भाई यार, पता बहुत ही ना बोरिंग ईद गुजरी है वाली। ये चेक करें, कोई भी नहीं है सड़कों पे, खाली सड़कें। अभी ये होता पाकिस्तान, 2-3 नहरें, कुर्बानी शुरबानी हो रहे होते, बच्चे भाग रहे होते बकरे बकरे लेकर। ईद सिर्फ पाकिस्तान की है। खैर, मेरी आखिरी ईद है यहाँ पर, हमारी भी आके जितनी भी ईद होंगी सारी पाकिस्तान में ही होंगी। तो ये फ्लैट पर आया हूँ, खाना शाना खाते हैं हम लोग, ठीक है। चिकन बनाया हुआ है, मैंने बीफ नहीं बनाया आज, तो बैठ कर रोटी वोटी तोड़ते हैं। अब इस टाइम जो है तकरीबन 12 या 1 बज रहा है, और मैं जो है खड़के खीर बना रहा हूँ। मैं दूध जाकर ना शाम को ले आया था, और उसके अलावा पाकिस्तान का आज मैच था, जो कि पाकिस्तान ने जीत कर हम पर एक एहसान कर दिया। अब उस एहसान को हम कैसे चुकाएंगे, इस टीम का जो एहसान है ना हमारे ऊपर, कि वो आखिरी ओवर में जाके जो है ना मैच जीत गए, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। खैर, इनको जो है ना पता सुतरी होनी चाहिए, सुतरी इन लोगों की ना, मैं कहूँगा सुतरी हो इन लोगों के, सबको निकाले फारिग करें यहाँ से, और जो नई टीम बनाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि इस तरह जान बूझ के जो मैच वगैरह फंसाते हैं, बच्चों से खेलने क्रिकेट वो हिसाब किताब है। खैर, भाड़ में जब मेरा टाइम जाए कि इन लोगों ने
अभी जाना पड़े खीर बनाता हूँ क्योंकि मेरा दिल काफ़ी करा मीठा खाने का। आज शादी मैंने नहीं खाया, खाना शाना खाया था बस, और उसके बाद जाना कुछ खाया नहीं था। दिल बड़ा था मेरा इतना खीर वगैरह बना के खाने के, सुबह जाना हो गई ट्रेजेडी मेरे साथ और दूध जाना मेरा फट गया था। खैर अब जहाँ खड़े खीर बनाते हैं हम लोग। तो यार इतनी देर खड़े होने के बाद जो है ना भाई ने खीर बना ली है और चेक करें कितनी कमाल लग रही है। अभी गर्म है, ठंडी करके उसको हम खाएंगे। और उसके अलावा जो है इस व्लॉग को ये प्लान करते हैं, छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर से मुबारक, अल्लाह हाफिज़।